नगर में विभिन्न कार्यक्रमों का भूमि पूजन करने पहुंचे विधायक रमेश प्रसाद खटिक का प्रदीप पहारिया ने फलों से तोलकर कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें कि नगर की अनाज मंडी से लेकर आई लव करेरा चौराहे तक नाले का निर्माण एवं करेरा मुक्तिधाम में बाउंड्री वॉल एवं पेपर ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक रमेश प्रसाद खटिक शामिल हुए। वहीं मुख्य कार्यक्रम के मंच पर नगर परिषद के अध्यक्ष शारदा रावत, उपाध्यक्ष राजीव सिकरवार, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नफीस खान, महिला मोर्चा की जिला कोषाध्यक्ष संकीता खत्री, भोगीलाल बिलैया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रमेश प्रसाद खटिका ने अपने उद्बोधन में बताया कि मैं मंगरौनी में निवास करता हूं, लेकिन करेरा मेरे हृदय में बसा है। इस करेरा से मेरा आज का ही नहीं, मेरे परिवार की कई पीढ़ियों का नाता रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन विकास की गंगा बहा रही, जो कि किसी से छुपा नहीं है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भारत का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जो कभी देश का बहुत बड़ा दल हुआ करता था, अपने आप में सिमट कर एक तालाब से भी छोटा रह गया। वही अपने अच्छे कार्यों की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में महासागर का स्थान रखती है। देखिए विधायक रमेश प्रसाद खटिक ने विकास कार्यों के बारे में क्या कहा। रिपोर्टर संजय गुप्ता, बिलैया करेरा। अभी बता रहे थे राम स्वरूप जी के आने वाली रिंग रोड भी जाने वाली रिंग रोड भी आने वाली है शायद, तो वो भी आने वाली है। तो भगवान की कृपा से भारत हमारे बगीचा सरकार की कृपा होगी तो करेरा में बढ़िया बढ़िया सुविधा होती रहेगी। आप सबका सहयोग भी चाहिए उसके लिए। जैसा कि ये बता रहे थे कि हमें अगर अपने शहर को सही रखना है तो कुछ तो हमें कुर्बानी और हमें देना ही पड़ती है। तो हमें भी मोटा बन बनाकर अपने शहर के लिए जो भी व्यवस्था बनती है उसमें सहयोग करना चाहिए। और आपको बता दें कि इसके अलावा और टेंडर हुए, जैसा जी कह रहे हैं हो सकता है कि कल आना पड़े 2,66,00,000, उसमें भी आना पड़े। और आज मैं एक चिल्ली में जगह देखकर वहां तहसीलदार साहब जा रहे हैं, निश्चित हो गई है वो जगह, तो उसमें जाके भूमि पूजन कर रहे हैं। एक सब स्टेशन के लिए भी चिल्ली में आज भूमि पूजन होगा। कल मैंने मगरौनी में 1,46,00,000 का एक सीसी का उद्घाटन किया था। परसों मैंने 1,96,86,00,000 का धुमेश्वर मंदिर के लिए वो उसका पूजन किया। धुमेश्वर मंदिर के लिए क्या वो रास्ता उबड़ रहा था, उसके सुधार के लिए उसका पूजन किया। क्योंकि अब लोकसभा भी आती है तो लोगों को मालूम भी पड़ना चाहिए कि एक डेढ़, और इससे पहले जो विधायक थे बताओ ये क्या काम आपने किया हो, बताओ सही क्या कोई ने एक आप काम किया हो। और किनारे क्षेत्र के लिए पूर्व नदी से 75 गांवों के लिए 75 हाईटेक सिंचाई योजना आ रही है और उसका काम पिछोर तक हो गया। अब हमारे करेरा में कूदने वाली है क्योंकि वो हाईटेक लाइन है। जैसे कि हाईटेक लाइन अभी हमारे बता रहे थे, अभी चर्चा करूंगा उस पर, तो हाईटेक सिंचाई की लाइन है जो विदेशों में होती है, पाइप के द्वारा आएगी और स्प्रिंकलर के द्वारा हर खेत में पानी जाएगा, इससे बेस्ट नहीं होगा। तो वो योजना भी शीघ्र ही हमारे करेरा में भी कूदने आने वाली है। और जो दिनारा के लिए और अपने करेरा के आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए हमारा, जैसा कि छत्तीसगढ़ कहते हैं धान का कटोरा, इसी तरह हमारा करेरा, इधर तो पूरे में पानी आता ही है, करेई जिन गाँव में आता है, नरवर की अधिकतर जनपद में पूरी में सिंचाई होती है। हमारा करेरा वंचित किसके टाइम पे कराने वाले हैं, तो हो सकता है कि भगवान अभी 4-5 साल में जाना क्या क्या आप लोगों की सेवा कराए हमसे, तो हम तत्पर हैं। और करेरा के सभी पार्षदों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप चिंता नहीं करें और सेवा करें, लड़ाई झगड़ा बंद करें और अपने एकजुटता के साथ अपने क्षेत्र का विकास करें। और उसमें मेरी जरूरत पड़ेगी, जहाँ से मुझे पैसे लाने की बोलोगे मैं आपके लिए पैसा दिलाने की कोशिश करूँगा। और अभी मेरे पास में यही साहब खड़े थे,
आप बता दे तो मैं वो उनको साथ में लाके ये बता दीजिए। चलो बता दे, अब आपके साथ में लाकर अपन आएंगे और इजाद को बताएंगे, इसका भी निराकरण कराएंगे जो आई अभी आपने बताया 33 के भी लाइन है वो। तो क्या है माननीय विधायक जी द्वारा किया जाना है, पहला है SDMF योजना अंतर्गत मंडी गेट से झांसी तराई तक और दूसरी तरफ ग्रामीण विकास बैंक से झांसी तराई तक नाला निर्माण कार्य जो 1,96,00,000 की राशि से प्रस्तावित है, जिसको भूमि पूजन माननीय विधायक जी द्वारा किया जाना है। और दूसरा कार्य है जो मुक्ति धाम है उसमें 31,00,000 रुपये की राशि से पेवर ब्लॉक लगवाए जाने हैं और बाउंड्री वॉल का कार्य किया जाना है। तो आप सभी का फिर से बड़ा स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। बनाया जाएगा जो 1,06,00,000 की लागत से है और सभी दुकानों के आगे से बनाया जाएगा, जिससे शहर में जितने भी जो मकान है उनके नारदाने उसी नाली में आए, क्योंकि नाली इधर दूसरे ना बनाए। और सभी का ये दायित्व बनता है कि सारे लोग कोई बाधा ना डाले निर्माण, क्योंकि क्या जिससे मकान के आगे पहुंचते वो कहते मेरा चबूतरा नहीं तोड़ो, वो कहता मेरा चबूतरा नहीं तोड़ो, इससे क्या है विकास कार्य में बहुत आता है। मैं वीडियो समस्या जिसके द्वार पर पहुंचते हैं वो 15-20 दिन उनको ठेकेदार को परेशानी आती है। ऐसे हमारे अभी शमशान घाट है वहाँ पर 33,00,000 की लागत से उसमें पेवर ब्लॉक का भी आज भूमि पूजन है जो यहाँ पर पटका लगी है। बरसों से वो अभी बारिश हुई थी 2-3 साल पहले, पूरी बाउंड्री और ये सभी टूट गई थी, उसके पूरा निर्माण के लिए 33,00,000 का उठ गया है। 2,66,00,000 की लागत से आज सुकृति और आ जाएगी भूषण से बधाई की, वो कल या परसों फिर भूमि पूजन करने के लिए आने पर मुख्यमंत्री अधो संरचना 24 होटल से यहाँ से लेकर के डांबरीकरण 10 फीट है इसका, 10-10 फुट और बढ़ाया गया है, इसकी टेंडर भी खुल गया है, बीच में डिवाइडर जाएगा आई लग कर और दोनों तब 10-10 फुट और 20 फुट डांबर और बढ़ाया गया है और बीच में डिवाइडर 4 फीट पर लाइट नहीं पूरी डेकोर हुई है और आज सुकृति आ गई और कल हो सकता है कल या परसों भूमि पूजन बधाई की ऊपर आएंगे और सारे शहर यहीं पर होना है। ऐसे हमें आप सभी लोगों को जब तक शहर के विकास के लिए आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, जब तक शहर का सहयोग होना काम में गति देना किसी एक व्यक्ति के अध्यक्ष के बस का नहीं है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी लोग स्वच्छता के लेकर के हम बहुत परेशान है, सारे परिषद भी परेशान है। क्या होता है कि जब भी झाड़ू हमारे कच्ची गली में लग जाता है और 8 बजे लगने पड़ता है, ऊपर से माता है बहने पॉलीथिन में सब्जी सभी